हेलो दोस्तों स्वागत आपके अपने एन सी बुक सेल में और आज की इस वीडियो हम बात करवा हैं उत्तराखंड की डी प्रवेश परीक्षा का जो है रिजल्ट हो चुका है घोषित और कैसे आप लोग चेक कर सकते हैं और इसके बाद जो है आपके जो यहाँ पर प्रोसेसिंग होगी वो किस तरह का होगा वो सारा कुछ इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा कैसे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना होगा और किस तरह का आपका जो है कॉलेज मिलेगा कहाँ कहाँ वो सारा कुछ वीडियो में बताने वाला हूँ पूरी वीडियो में आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी लास्ट तक जरूर बने रहें इस वीडियो में तभी आपको प्राप्त होगी और मेरिट लिस्ट में जो है कैसे आपको चेक करना होगा किन किन का नाम आ रखा है और कितनी यहाँ पर घर जा रखी है वो सारा कुछ इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि जस्ट थोड़ी देर पहले यहाँ पर थोड़ी देर ही पहले यहाँ रिजल्ट घोषित हो रखा है सबसे पहले अपडेट हम आपको इस चैनल के द्वारा दे देते हैं तो देखते हैं आज की इस वीडियो में तो देखिए दोस्तों ये जो है उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी किया हुआ है और आप लोग देखते हैं दिनांक जो है छब्बीस फरवरी दो हज़ार इक्कीस यानी कि जस्ट थोड़ी देर पहले यहाँ पर अपडेट कर रखा है और इसमें आप लोग देखते हैं द्विवर्षीय डिप्लोमा आपका डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन ठीक है यानी कि आपका डी के लिए जो है प्रशिक्षण के लिए आपको जो यहाँ पर प्रवेश परीक्षा आयोजित किया गया था ये जो है 2019-20 की परीक्षा फल है आपका जारी कर दिया गया है तो इसमें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो भी यहाँ पर इंस्ट्रक्शन लिखे गए उसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं ये जो है आपकी जो सूचनाओं के आधार पर जो है तैयार कर जो आपका रिजल्ट घोषित कर रखा है योग्यता और यहाँ पर सूची नितान्त जो है औपबंधिक है इस तरह से यहाँ पर कहा गया है और जिन अभ्यर्थियों के नाम सूचियों में अंकित हैं वे जो है सुनिश्चित कर लें कि परीक्षा हेतु जारी शासनादेश में और यहाँ पर जो ब्यूरो है उसमें जो है अंकित समस्त अर्घताएँ यहाँ पर पूर्ण करते हो यानी कि जो भी आपने फॉर्म फिल करते वक्त चेक किया था उसमें सब जितने भी आपकी अर्घताएँ वो आपने सही से फिल कर रखा हो ऐसा यहाँ पर कहा गया है किसी अभ्यर्थी के द्वारा जो है ये ओ एम आर पत्र या उत्तर पत्र में जो है त्रुटिपूर्ण या गलत तथ्य अंकित करने के कारण जो है उनका चयन सूची जो है सूचित सूची में जो है यहाँ पर आने की स्थिति में जो है संबंधित अभ्यर्थी का जो परीक्षा यानी कि परीक्षा फल यानी कि रिजल्ट है वो निरस्त कर उसके विरुद्ध जो है जो विधिवीत कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी ऐसा यहाँ पर कहा गया है और इसकी जो है संपूर्ण ज़िम्मेदारी जो है अभ्यर्थी की ही स्वयं होगी इस तरह से यहाँ पर कहा गया है तो इनके आपका जो भी आपने फॉर्म फिल कर रखा है या जो आपने ओ मार्कशीट में जो चीज फिल कर रखा है वो आपकी ज़िम्मेदारी होगी अगर गलत कर रखा तो फिर आपको यहाँ पर जो है हटा भी दे सकते हैं यानी कि आपको यहाँ पर जो है डिलर करने नहीं दिया जा सकता है ये भी हो सकता है तो जो रिज़ल्ट है आपको यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा ठीक है यू बी एस सी यू के डॉट यू ओ वी डॉट इन यहाँ पर जो है डिपार्टमेंटल एग्जाम में जाने के बाद आपको यहाँ पर उपलब्ध हो जाएगा और यहाँ से अगर इसको डाउनलोड करोगे तो आप लोग यहाँ पर देखते हैं द्विवर्षीय डिप्लोमा जो आपका है डी के लिए वो आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पर कहा गया है और इसमें जो है आपको कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ यहाँ पे क्या क्या है तो यहाँ पर देखिए ये सूचना आप लोग देख सकते हैं विज्ञान है और विज्ञानोत्र वर्ग में जो है निम्न छः उपवर्गों को जो है योग्यता और चयन सूची में जारी किया गया है तो ये जो है इसमें है और इसमें आप लोग देखते हैं विज्ञान वर्ग में जो है कुल तीन सौ पच्चीस और सेम जो है आपका यहाँ पर विज्ञान विज्ञानोत्र का मतलब होता है आर्ट वालों के लिए और विज्ञान माना साइंस वालों के लिए यहाँ पे हो जाएगा तो इसमें आप लोग देख सकते हैं जो उपवर्ग है भौतिक और गणित के लिए विषय अभ्यर्थी हैं उसमें जो है एक सौ तीस अभ्यर्थियों का जो है यहाँ पर सिलेक्शन रखें क्योंकि फोर्टी परसेंट अभ्यर्थियों का सिलेक्शन यहाँ पर किया गया है रसायन विज्ञान जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान में एक अभ्यर्थियों का यानी चालीस किया गया है बाकी जो विज्ञान से स्नातक रखा में अदर जो सब्जेक्ट हैं उस उसमें जो है सिक्सटी फाइव अभ्यर्थियों का यानी कि बीस परसेंट है और सेम जो है अंग्रेजी विषय के लिए जो है आपका फोर्टी नाइन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन किया गया है यानी कि आपका पंद्रह परसेंट और सेम जो है आपका हिंदी के लिए जो फोर्टी नाइन अभ्यर्थियों का किया गया यानी कि पंद्रह परसेंट बाकी सत्तर परसेंट जो है आपका यहाँ पर अन्य विषयों के लिए यहाँ पर जो है सिलेक्शन किया गया है टोटल जो है तीन सौ 25 पोस्ट विज्ञान के लिए हैं तीन सौ पच्चीस पोस्ट जो है आपका विज्ञान के लिए रखे गए हैं और यहाँ पर कहा गया कि जेषदा आयु वाले जो अभ्यर्थी वो ये भी कर रखा है यानी कि आपका अगर किसी का आयु में ए, ए, किसी के नंबर बराबर हो मान लो आपका यहाँ पर 150 सौ पचास सबका दोनों का सेम है तो आयु वाले को जो है प्रेफरेंस यहाँ पर दिया गया है ऐसा यहाँ पर कहा गया है और बाकी जो है आपको यहाँ पर जो है काउंसलिंग अब देखिए आपका रिजल्ट निकल गया है तो इसके बाद आपको करना क्या है आपकी जो है यहाँ पर सत्यापन होगा और सत्यापन में जो है सभी डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं और इसमें जो है आपके जो यहाँ पर लेकर प्रवेश हेतु जो है राज्य स्तर पर जो है एन -E उत्तराखंड देहरादून द्वारा जो है काउंसलिंग का जो है आयोजन किया जाएगा और काउंसलिंग के समस्त समस्त जितने भी आपके किस जो है आपके मूल अभिलेख के प्रमाण पत्र होंगे वो आपके जो है ओ एम आर आवेदन पत्र में जो है अंकित की गई सूचनाओं का जो है मिलान सत्यापन जो है कर जनपद आवंटित की कार्रवाई की जाएगी आपको जो जनपद मिलेगा वो आपका जो सत्यापन होगा वो ओ एम आर जो सीट आपने फॉर्म फिल कर रखा था आवेदन पत्र वाला उसी के आधार पर होगा अगर आप में से उसमें किसी में गड़बड़ी पाएगी तो आपका जो है अभ्यर्थन जो है निरस्त कर दिया जाएगा यानी कि आपका जो है डी करने नहीं दिया जाएगा काउंसिलिंग हेतु जो है अभ्यर्थी को तो जो है यहाँ पर एस सी ठीक है एस सी ई आर टी उत्तराखंड देहरादून द्वारा जो है यथा समय सूचित यहाँ पर सूचना प्रदान की जाएगी इस दृष्टि यहाँ पर कहा गया यानी कि आपकी जो काउंसलिंग होगा वो बाद में सूचना दी जाएगी काउंसलिंग यहाँ पर करी जाएगी और काउंसलिंग में जो है प्रतिभा करने से पूर्व जो है चयनित अभ्यर्थी ठीक तो है अनिवार्यता जो है सुनिश्चित कर लें कि तो ये चीज़ें आपको कन्फर्म करनी है कि एक जुलाई दो को जो है उनकी आयु उन्नीस वर्ष से कम और 30 वर्ष से अधिक यहाँ पर नहीं होनी चाहिए ये इसकी ट्राइटेरिया था यहाँ पर अगर इससे ज़्यादा है तीस से ज़्यादा और उन्नीस कम था तो आप बिल्कुल काउंसिलिंग में नहीं जा सकते हो ना आपका वहाँ पर जो है अभ्यर्था निरस्त कर दिया जाएगा ठीक और ये जो है आपका एक जुलाई दो यहाँ पर क्या रखें ये डेट है यहाँ पर एक जुलाई दो हज़ार उन्नीस सौ नब्बे से पूर्व और एक जुलाई दो हज़ार एक के बाद ना हो ऐसा यहाँ पे कहा गया है और भूतपूर्व सैनिक और जो यहाँ पर आरक्षित वर्ग है उनको जो है शासना जो शासन के अनुरूप है वो तो छूट दी गई होगी आपने यहाँ पर जो आपका फॉर्म फिल करने से पहले आपने पूरा फॉर्म की विज्ञापन पढ़ा होगा उसमें जो जो छूट दिया गया था उसके अकॉर्डिंग आपको मिलेगा छूट ठीक है विज्ञापन जारी होने की तिथि यानी कि छः जनवरी दो हज़ार इक्कीस से पूर्व जो है अभ्यर्थी द्वारा जो है भारत में विद्दी द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से आपका स्नातक होना कंपल्सरी यानी कि आपके पास जो है ग्रेजुएशन होना कंपल्सरी है छः जनवरी दो हज़ार बीस से पहले अगर नहीं है तो आपका अभ्यर्थी निरस्त कर दिया जाएगा और इस तरह से यहाँ पर लिखा गया है और बाकी जो है आपका यहाँ पर कहा गया है कि जो डिप्लोमा इन्फॉर्मेशन वो जो आपका ठीक है यहाँ पर आया हुआ था इन्फॉर्मेशन उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर किया जाएगा और बाकी सब लोग आप देख सकते इस तरह से यहाँ पर जो भी यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस है वो इस तरह कहा गया है और काउंसलिंग में जो है यहाँ पर कहा गया है कि काउंसलिंग में जो है अपने यहाँ पर देखिए काउंसलिंग में जो है अपने अभ्यर्थन से संबंधित मूल अभिलेख प्रस्तुत न कर पाने की स्थिति में जो है संबंधित अभ्यर्थी का जो अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा यानी कि आपका जो अगर ओरिजिनल डो, डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा तो आपका अभ्यर्थन यहाँ पर निरस्त कर जाएगा और बाकी आप लोग देखते हैं कि प्रतीक्षा सूची से वरिताय क्रम में जो है अभ्यर्थी के चयन की यहाँ पर कार्रवाई की, की जाएगी यानी कि आपकी जो वेटिंग लिस्ट है वो भी जारी कर दी जाएगी कई अभ्यर्थी जो है छोड़ देते हैं या कई अभ्यर्थी का जो है अभ्यर्थ निस्त हो जाता है तो उसके बाद जो है अन्य अभ्यर्थियों का नंबर आएगा यानी कि जिस जिनका एक दो नंबर आधे नंबर से रुक गया हो उनका जो है नंबर यहाँ पर आएगा और इस संबंध में जो है अभ्यर्थी का कोई भी वह दावा मान्य नहीं होगा ऐसा यहाँ पर कहा गया है तो ठीक यहाँ पर अब देखते हैं रिजल्ट कैसे देखना है आपको और कैसे यहाँ पर मेड लिस्ट गई है वो भी आपको बता देता हूँ यहाँ पर ठीक है तो सबसे पहले आपको जाना है यू बी एस ई यू के डॉट जी ओ वी डॉट इन इस ऑफिशियल वेबसाइट में जाना है यहाँ पे जाने के बाद होम पेज में आपको जैसे ही खुलेगा तो यहाँ पर आपको जाना है आ, ठीक है ये ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रखा होगा डिपार्टमेंटल एग्ज़ैम यूटेड करके ठीक है यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज खुल जाएगा नेक्स्ट पेज खुलने के बाद से आपका यहाँ पर सॉरी एक क्लिक हो गया तो यहाँ पर देखिए उसके बाद से यहाँ पर देखें ये जो नोटिस था वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आपका रिगल्ट के रिगार्डिंग और इसमें जो है टोटल छः कैटेगरी हैं किसी भी कैटेगरी को आप ओपन करोगे तो आपका लिस्ट जारी कर दिया जाएगा मान लो मैंने यहाँ पर जो है इस पर क्लिक कर दिया तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा कुछ ही देर के बाद डाउनलोड हो जाएगा जैसे आपका डाउनलोड हो जाएगा तो इसमें जो है आपकी मेरी लिस्ट दिखाना शुरू कर देगा तो देख सकते हैं यहाँ पर जो विज्ञानोत्तर वर्ग है ठीक है विज्ञानोत्तर में है ये वाले स्नातक स्तर में तो इसमें देखिए जनरल की जो सबसे जा रखी है एक सौ पचहत्तर की तारखी है अगर ये डिस्ट्रिक्ट उसका जो होम डिस्ट्रिक्ट है वो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट है तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से वेरी करता रहेगा ये आप लोग देखते हैं बाकी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं अगर जनरल की अलग अलग यहाँ पर देखिए जनरल की यहाँ पर अलग अलग आती हुई सीट है ठीक है थीके? तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के ओ बी सी में देख सकते हैं यहाँ पे सौ बावन वाले का भी सिलेक्शन यहाँ पे हो रखा है ओ बी सी में देखिए एक सौ पचास वाले का भी रखा है ओ बी सी में देखिए एक सौ सैंतालीस वाले का भी है तो ई डब्ल्यू एस का एक सौ पैंतालीस में भी है ओ बी सी का एक सौ पैंतालीस में भी है एक सौ तैंतालीस में भी है एस सी का एक सौ बयालीस में भी है तो अलग अलग के हिसाब से यहाँ पर उधमसिंह नगर में देखिए अलग अलग वेरी करता रहता है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से हैं ये ठीक है ओ ब सी में देखिए एक सौ चालीस ऊधमसिंह नगर में जा रखा है तो अलग अलग के हिसाब से है, तो आप लोग चेक कर सकते हैं अब यहाँ पर आपको अपना नाम रोल नंबर सब कुछ यहाँ पर इनको मिलेगा तो इस तरह से आप लोग अपना चेक कर सकते हैं एक सौ ग्यारह वाले का भी आ रखा है एस सी में एक सौ एक वाले का भी आ रखा है एट्टी वन का भी आ रखा है देखते हैं यहाँ पर उत्तरकाशी में जो है यहाँ पर एट्टी वन भी गया हुआ है जो कि जनरल में है तो देखिए जनरल वाले में यहाँ पर आया हुआ है ठीक है पी में है और यहाँ अलग अलग कैटेगरी है तो आप लोग चेक कर सकते हैं इसको इज़िली तो फिलहाल इसमें इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय